वो एक खास उनकी किट है उनकी, वो एक कैप देते हैं और एक टी शर्ट, वो बड़ा मुझे बड़ा मुनफरिद लगा। मैं कोई फॉर्मूला तो नहीं है कि आप ये कर लें, इन स्टेप्स को फॉलो करें एंड यू विल एंड अप। घबराहट का शिकार होते हैं कि एक बड़ी टॉप दुनिया की कंपनी में हम कैसे अप्लाई करें, हम छोटी छोटी कंपनियों में अप्लाई करें, तो वो क्या स्ट्रेटजीज होती है? आज के हमारे मेहमान जो है वो एक नौजवान पाकिस्तानी जो गूगल में आजकल अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं खिजर से। अस्सलाम वालेकुम खिजर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम अहमद साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया मेरे पॉडकास्ट शो को टॉक विद अहमर के लिए। आप आए और इस वक्त आप दूसरे कंट्री में हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे ज्वाइन किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर। तो हम कराची से जो गूगल तक की जर्नी है उसको डिस्कस करने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ, किस स्कूल से हासिल की, फिर आपने किस कॉलेज में अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद यूनिवर्सिटी, और फिर अगर कराची में पाकिस्तान में आपने जॉब की तो वहाँ आप किस किन किन कंपनियों में आपने जॉब की, तो ज़रा प्लीज़ डिटेल में बताइए अपने बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी पैदाइश जो है वो अबू धाबी की है, यूएई। ओके। जी, मेरे फादर जो है हम लोग वहाँ रहते थे, मेरे फादर वहाँ जॉब करते थे डिफेंस, यूएई डिफेंस फोर्स में। माशाल्लाह। जी, तो फिर मैं वहाँ पैदा हुआ, मुझसे जो छोटा भाई है वो भी वहीं पैदा हुआ है, एंड देन लेकिन मेरी जो पढ़ाई है वो सारी मैंने कराची में की है, पाकिस्तान में की है। तो लाइक हम लोग मैंने कुछ क्लासेस लाइक मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी अबू धाबी में ही, KG 1 KG 2 के बाद जो है हम लोग कराची मूव हो गए। वही सेम जो एक एक होता है वहाँ पे, मेरे फादर की जॉब ख़त्म हो गई थी, देन यू नो वो वी मूव बैक टू आर होम टाउन दैट इज़ कराची, और फिर कराची में ही सारी तालीम हासिल की। तो आप कराची में, आपकी रहाइश किस एरिया में थी, कौन सा वो था एरिया? कराची में मैं गुलशन में, हम लोग गुलशन में रहते थे, और या तो गुलशन इकबाल में आप रहते थे? गुलशन इकबाल, जी जी गुलशन इकबाल, और वहाँ रहते थे पूरा बचपन जवानी हम लोग की वहीं रही है, वहीं गुजारी है। और बिल्कुल इसके अलावा जहाँ तक बात है मेरी तालीम की, तो ये है कि मैंने हैप्पी होम से मैट्रिक किया। हैप्पी होम इट्स वन ऑफ द रेनाउंड स्कूल इन कराची। अब उसकी गुलशन कैंपस, गुलशन ब्रांच थी ब्लॉक 13D में, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, और बड़ा अच्छा स्कूल है, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, बड़ी अच्छी बड़े अच्छे वहाँ के टीचर्स हैं। और उसके बाद मैट्रिक के बाद मेरा जो इंटर था वो मैंने किया है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से, अगेन मशहूर कॉलेज है। और इंटर के बाद मैंने एडमिशन लिया था सर सैयद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और फिर वहाँ से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी। माशाल्लाह। तो आपने फिर वहाँ जॉब वगैरह भी की होगी ग्रेजुएशन के बाद? कराची में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इवनिंग में जो है पढ़ाता था कंप्यूटर, कंप्यूटर के कोर्सेज, और यू नो कंप्यूटर क्लासेस लाइक फॉर 9th एंड फॉर इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको
वहाँ पे मैं पढ़ाता था 2-3 घंटे के लिए शाम में आफ्टर माय यूनिवर्सिटी. लेकिन जो मेरा प्रोफेशनल करियर है वो ऑब्वियसली यस आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया था. इत्तेफाक से मैं गुलशन में रहता था उस वक्त भी, और मुझे गुलशन में एक एक सॉफ्टवेयर हाउस में मौका मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी. तो मैं वहाँ पर एज अ SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर एंड एज एन इंटर्न डेवलपर वेब डेवलपर वहाँ से मैं मेरा करियर स्टार्ट हुआ था. बहुत अच्छी जगह थी, बड़ा कुछ वहाँ से सीखा, बहुत अच्छे लोग थे, बड़ी छोटी सी टीम थी, बहुत कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस नहीं था. लेकिन ऑब्वियसली यू नो आप जहाँ जाते हो जिस कंपनी को ज्वाइन करते हो कुछ ना कुछ वो आपको सिखाती है. बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है कि आप चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो कुछ ना कुछ आप अर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं. तो गूगल ज्वाइन करने से पहले आपने और कहीं मूव किया, कोई आपने जॉब की या डायरेक्टली आप गूगल कराची से मूव हुए? नहीं, तो गूगल से पहले एक एक बहुत बड़ी जर्नी है तकरीबन 11 साल की. गूगल मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, 2013 अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था गूगल. और उससे पहले मैं पास आउट हुआ था 2011 मार्च में हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी. तो लाइक जो पास आउट मैं हुआ था 2010 का बैच कहलाता है, 2010 में मैं पास आउट हुआ था. उसके बाद 2010 से लेके 2023 तक मैंने डिफरेंट कंपनीज में जॉब करी, डिफरेंट ममालिक में जॉब करी इनफैक्ट. और उसके बाद फिर 2023 में मुझे जो है वो मौका मिला, गूगल में अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैंने गूगल ज्वाइन करा. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. ये जो आपकी जर्नी थी कराची से आप बाहर गए डिफरेंट कंट्रीज में काम करने के लिए, तो इसके बारे में बताइए. अच्छा, मैंने अपना करियर जैसे मैंने कहा कि कराची में स्टार्ट किया. मैंने एक साल उस सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया. उसके बाद आई वॉज लकी इनफ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बहरीन में. तो मैंने बहरीन में जो है ऑन जॉब में चला गया था. फिर वहाँ पर मैंने जाके काम किया. फिर बहरीन में मैं तकरीबन 10 साल रहा. वाओ, 10-11 साल जी. और मैंने जो है वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज में काम किया. एक कंपनी थी जिसका नाम था अलयाम पब्लिशिंग, जबरदस्त वहाँ की बहरीन की बड़ी एक मशहूर न्यूज़पेपर एजेंसी है. और वहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 साल काम किया. अच्छा. और उसके बाद मैंने UBL बहरीन ज्वाइन किया. UBL हमारा UBL पाकिस्तान का जो बैंक है, बिल्कुल वहाँ की एक इंटरनेशनल एंटिटी, जो उसकी इंटरनेशनल एंटिटी थी उसको मैंने ज्वाइन किया. उस UBL को मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने अपनी फील्ड भी चेंज करी. और ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे बहुत सीखा. UBL एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर यू नो वो आपको सिखाता बहुत है. ओके. और जो मैंने UBL ज्वाइन किया जब, तो उस वक्त बजाय ये कि मैं अपने प्रोग्रामिंग करियर को परसू करता, मैंने अपनी फील्ड स्लाइटली चेंज कर ली और आई वेंट इनटू IT ऑपरेशंस. ओके जी. तो वहाँ से इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ, इसलिए मैं UBL को हमेशा कहता हूँ कि इट वाज माय टर्निंग पॉइंट. बाद मैंने बहरीन में ही एक और बैंक को ज्वाइन किया जिसका नाम था BOK, बैंक ऑफ खरतूम. ओके जी. वहाँ मैंने तकरीबन 3 साल काम किया. हाँ, अब आते हैं गूगल की तरफ. तो ये जो गूगल की आपकी नौकरी है, ये आपने कैसे हासिल की और अब तक का जो सफर आपका है गूगल में वो कैसा जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि गूगल में या कोई भी दूसरी टेक जाइंट कंपनीज में जॉब हासिल करने के लिए कुछ अलग सा करना पड़ता है, जो कि ऐसा नहीं है. सेम प्रोसेस होता है, हर चीज़ वही होती है जो आप एक नॉर्मल जॉब को हासिल करने के लिए करते हो. आप अपनी एक CV बनाते हो प्रॉपर प्रोफेशनल, आप जॉब्स देख रहे होते हो. आप फॉर एग्जांपल इन माय केस मैंने LinkedIn के थ्रू अप्लाई किया था. ओके. और देन सेम प्रोसेस जो किसी और XYZ कंपनी का होगा कि
फिर मुझे गूगल के रिक्रूटर ने कॉल की, यू नो कॉन्टैक्ट किया, उसने फिर मुझसे अपॉइंटमेंट ली फॉर द इंटरव्यूज एंड एवेल्युएशन प्रोसेस। और फिर वही जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपकी एवेल्युएशन होती हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, एंड देन यू नो अगर आप उन सब में सही करते हो तो आपको वो ऑफर कर देते हैं। तो सेम ओल्ड प्रोसेस, नथिंग न्यू, नथिंग, नो सीक्रेट्स आर देयर। जो ये गूगल की दो टर्म्स हैं, एक है गूगलर्स और एक है नूगलर्स, ये क्या टर्म, क्या ये क्या चीज है कि हम ये सुनते हैं, इसका क्या पस मंजर है, जरा ये बताइए। देखिए गूगलर तो यू नो वो तो पता चल ही रहा है कि जो भी गूगल में काम करते हैं गूगलर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनको वो गूगलर्स कहते हैं। गूगलर्स तो जैसे सेम लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट, लाइक फॉर एग्जांपल एसएसयूटी, यूनिवर्सिटी को एसएसयूटीएंस कहते हैं, कराची आईट्स फॉर कराची पीपल, राइट, एनएडीएंस, डीजेएडीएंस, एरियंस, या ओके। तो इस तरह से जो गूगल में काम करते हैं उनको गूगलर्स कहते हैं। जो नूगलर है वो बेसिकली वो ड्राइव हुआ है न्यू टू गूगल, सो गूगलर मतलब न्यू टू गूगल। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी आई एम स्टिल अ नूगलर बिकॉज मुझे 8 महीने हुए हैं अभी गूगल को ज्वाइन किए हुए। सो जो आपका 1 साल होता है ज्वाइन करने के बाद, उसमें आपको जो लाइक यू कैन कॉल योर सेल्फ a noogler, obviously you are learning things, you are learning ke google mein kya hota hai, kaise hota hai, obviously it's a whole world, you know it's a different world, aur obviously you know bahar se aap jab hote ho to aap ye har jagah hota hai, I mean it's same for every place, jahan bhi aap jaate ho nayi jagah pe to wahan ke norms, wahan pe kaam karne ka tarika, वहाँ की पॉलिसीज, वहाँ की प्रोसीजर्स, यू नो डिफरेंट होते हैं, आपको सीखने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने उनका मुझे पैकेज भी दिखाया था, वो एक खास उनकी किट है उनकी, वो एक कैप देते हैं और एक टी शर्ट, वो बड़ा मुझे बड़ा मुनफरिद लगा उनका स्टाइल है गूगल का, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, तो नूगलर हैट कहलाती है वो जो कलरफुल हैट है जिसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा होता है। वो हर नूगलर को जो भी नया इंडक्ट होता है गूगल में उनको वो भेजते हैं, वो ऑब्वियसली वो उसके साथ लैपटॉप और वगैरह बाकी सारी चीजें भी आती हैं। वो जो एक नूगलर हैट है उसका स्वैग डिफरेंट है एब्सोल्युटली, वो बड़ा एक अट्रैक्शन उसकी एक अलग ही अट्रैक्शन है टू बी ऑनेस्ट। वो एक जब वो आती है फॉर मी आल्सो, लाइक जब वो मैंने रिसीव की थी तो बड़ा एक सेटिस्फाइंग फील होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव अर्न इट। नहीं ये बढ़िया, मुझे उनका ये जो कंपनी कल्चर है मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस किस्म की जो ये इनके किट्स हैं, जो ये तो नहीं है कि 1 साल तक आपको वो नूगलर्स कैप पहन के जाना होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जो भी कैप रिसीव करता है, क्योंकि समटाइम्स यू नो इट्स अ शिपमेंट, वो कभी आ जाती है टाइम पे, कभी डिले हो जाती है, तो वो यूजुअली नूगलर्स जो हैं वो जब वो रिसीव करते हैं तो वो पहले 1-2 दिन पहन के आते हैं, और ऑब्वियसली यू नो वो एक अच्छा लगता है, आप वो फीलिंग उसमें, लेकिन वो फीलिंग डिफरेंट होती है कि आप नूगलर हैट रिसीव करते हो और उसको आप पहनते हो, तो क्या बात बड़ा मुनफरिद इनका कल्चर है गूगल का, बड़ा मशहूर है कि गूगल का जो अपना कंपनी कल्चर है, जो उनकी सकाफत है, वो बड़ी डिफरेंट है और दुनिया की सारी कंपनियों से अलग इनका कल्चर है, उसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल ये बिल्कुल सही सुना है, और ऐसा मैंने भी सुना था गूगल ज्वाइन करने से पहले, और अब इस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजें तो यहाँ पे शायद ना बता सकूं, लेकिन ये कि फॉर एग्जांपल आप जो उनके कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं या उनकी उनकी जो सकाफत है या उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं
वो दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉइज को बहुत एम्पावर करते हैं, यू नो दे मेक श्योर के जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं उनको एम्पावर करें. डिफरेंट तरह से अपने स्टाफ को हेल्प करते हैं. हाँ, वो काफी मैंने देखा है कि वो उनके कॉर्नर्स बने हैं, रिलैक्सिंग कॉर्नर्स, लैब्स कुछ इस तरह की, उसके बारे में बताइए। बड़ा अच्छा उन्होंने अपना एनवायरनमेंट रखा है अंदर का। बिल्कुल. आप अपने हर कंट्री में डिफरेंट तरह के ऑफिसेज डेकोरेट ओके हुए हैं, ओके और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि वो एक जब भी कोई भी इंडक्ट होता है तो डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं जिसमें डिफरेंट अवेयरनेस दी जाती है कि किस सिचुएशन में कैसे करना है. इन केस वेरी गुड। यू नो आप को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आप पे या आप पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सो दे टॉट ईच एंड एवरी वन टू यू नो हाउ टू टैकल इन दिस सिचुएशन. यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प इन सच सिचुएशन. और ये सब आपको बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं. इसी तरीके से ऑब्वियसली जब आप बात करें उनके कल्चर की तो इट्स अ डाइवर्स कल्चर. दुनिया के हर कोने से वो लोग जो लोग हैं हैं लेते हैं, प्रोफेशनल्स को लेते हैं। प्रोफेशनल्स को लेते हैं, डिफरेंट ग्रेट माइंड्स हर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप वो इंडक्ट करते हैं. आप फिर जब आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलता है तो आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है. और यही सारी चीज़ें जो एक एक वर्किंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है. इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में जितने भी उनके ऑफिसेज हैं कुछ ना कुछ विद इन ऑफिस प्रेमिसेस वो आपको प्रोवाइड करते हैं. यू नो अगर आपको रिलैक्स करना है आपके पास आपको फुल अथॉरिटी है कि अगर इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस आप काम रोक सकते हो. गूगल बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है वर्क लाइफ बैलेंस को और वो मेक श्योर करता है कि यू नो एम्प्लॉई जो है वो एक्स्ट्रा आवर्स काम ना करे, लेट सिटिंग ना करे, वीकेंड्स पे काम ना करे. और आई थिंक ये सारी चीज़ें जो भी ये सब मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल जो ये फास्ट पेस्ड का इंडस्ट्रीज होती हैं और इनमें वैसे मुश्किल होता है काम करना, लेकिन आप जो कैसे हेल्दी वर्क को मेंटेन करते हैं अपनी जाती जिंदगी में, और अगर आप किसी आपके पास क्या स्ट्रेटजीज होती हैं या क्या वो सिखाते हैं कि आप बर्नआउट से बच सकें। जी बिल्कुल. हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब ऑनबोर्डिंग होती है तो दे ऑनबोर्डिंग ओरिएंटेशन के बाद या इवन ड्यूरिंग द ऑनबोर्डिंग ओरिएंटेशन बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी अवेयरनेस अवेयरनेस रिलेटेड यू नो चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं. और आई बिलीव कि यहाँ पर जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये सारी मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी बिल्कुल टीम को देखिए उनके वर्कलोड को जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें. इसके अलावा बहुत ही इंक्लूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट है तो यू वोंट फील एनी डिसकनेक्ट फ्रॉम योर मैनेजर. आपके पास पूरी आपको बताया जाता है कि इन केस आपका वर्कलोड बहुत बढ़ गया है तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम योर मैनेजर, फ्रॉम योर कोलीग्स. यू नो बिल्कुल, ये तो बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको फ्री हैंड दिया जाएगा और आपको आपके ऊपर से स्ट्रेस कम रखा जाएगा किया जाएगा, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ती है और आदमी बड़ा रिलैक्स होकर काम करता है। यही बात है लीडिंग जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जो टॉप में दुनिया की कंपनीज होती हैं, वो इस किस्म का अपना कंपनी कल्चर को मेंटेन रखती हैं और उनकी एक खास सकाफत होती है। अब आते हैं पाकिस्तान के प्रोफेशनल जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, वो गूगल या गूगल जैसी बड़ी टॉप कंपनीज में अप्लाई करने के लिए उनके पास क्या बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए जिनको वो अपने आप को अपने सीवी को वैसा प्रिपेयर करें
और अप्लाई करने करने के लिए अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाएं और जिसकी वजह से उनको ये जॉब हासिल हो, तो उसके बारे में जरा कुछ हमारे यंग प्रोफेशनल्स को बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। और लेकिन देखें, ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि जो मैं बता दूं कि आप ए बी सी स्टेप्स को फॉलो करें और आपको जॉब मिल जाएगी गूगल में या अदर टेक जाइंट कंपनीज में। लेकिन हाँ, मैं एक जेनरिक वे में बता सकता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, या जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं यूनिवर्सिटी से या जो भी पढ़ रहे हैं, उनको क्या पाथवे या वो क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से एक अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो बेसिक आपकी जो एजुकेशन है, फोकस ऑन योर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। या एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, ऑब्वियसली पेरेंट्स पे भी जिम्मेदारी आती है। इट्स नॉट ओनली एन इंडिविजुअल, क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल, राइट? सो फ्रॉम दैट एज ऑब्वियसली पेरेंट्स आप मेक श्योर करें कि वो अपने बच्चे को जो है वो लुक आफ्टर करें, उसकी एजुकेशन पे जो है थोड़ा सा ध्यान दें। एंड एट सम पॉइंट जब वो यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाए, तो बाय दैट टाइम वो बच्चा मेच्योर इनफ हो जाता है जहाँ पे उसको अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी एजुकेशन को सीरियस ले, अपने करियर के बारे में सोचे, और जो भी उसकी फील्ड है, वेदर इट्स आईटी, नॉन आईटी, मैनेजमेंट, बिजनेस, व्हाटएवर, जो भी वो कर रहा है अच्छे से करे, मेक श्योर करे कि अच्छे ग्रेड्स आए। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रेड्स ही सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा है कि ग्रेड्स कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। तो आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, ये सबसे पहली बेसिक चीज है। नहीं, अक्सर देखा गया है कि नॉट ऑल देखा गया है कि अप्लाई करना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन नौजवानों को जो ये नए प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में, अक्सर देखा गया है, अक्सर नॉट ऑल, के घबराहट का शिकार होते हैं कि एक बड़ी टॉप दुनिया की कंपनी में हम कैसे अप्लाई करें, हम छोटी छोटी कंपनियों में अप्लाई करें। तो वो क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, वो क्या विल पावर होती है, वो क्या आपकी प्रोसेस होता है कि आपको कैसे मेकअप करते हैं माइंड को कि नहीं यार, मैं तो दुनिया में किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसके बारे में जरा बताइए। अगेन अमर साहब, ग्रेट क्वेश्चन और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने भी देखा है और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं स्पेशली पाकिस्तान में, वो काफ़ी हिचकिचाते हैं ऐसी कंपनीज में अप्लाई करते हुए। मैनी रोल मॉडल्स अराउंड देमसेल्फ, शायद एक ये वजह है, शायद कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स खुद सेट कर लेता है। समटाइम्स होता ये है कि क्योंकि उनके पास रोल मॉडल्स नहीं होते, उन्होंने उनके सर्कल में उन्हें लगता है अलग ही दुनिया है, यहाँ पे शायद हम जैसे लोग काम नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही मेरे जैसे, आपके जैसे, हम जैसे ही लोग काम करते हैं, वो वैसे ही एक प्रोसेस है जो किसी और कंपनी में इंटर होने का प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ ये है कि क्योंकि उन्होंने अपने जहन में एक लिमिट, अपने आप को लिमिट कर लिया होता है, तो वो उस तरफ जाते ही नहीं है, वो वहाँ पर अप्लाई ही नहीं करते और वो उस तरफ का सोचते ही नहीं है। सो आपको हमेशा आपके जो गोल्स हैं, आपको ऑब्वियसली आप अच्छे हाई स्टैंडर्ड गोल्स सेट करने चाहिए, एंड टू अचीव दोज गोल्स आपको एक एक राइट प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। देखिए, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप गोल तो कोई भी सेट कर लें, वो सेट हो जाएगा, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है, उसका एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो या कर चुके होते हो, तो आप एक उस एज में होते हो कि आपको पता होता है कि कौन सा प्रोसेस मेरे लिए सही है या कौन सा प्रोसेस मेरे लिए गलत है। आगे आप एक प्रोसेस को फॉलो करो, और आप एक जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप उस एज में होते हो कि आप समझ सकते हो कि कौन सा प्रोसेस अच्छा है, कौन सा नहीं। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है लैक करती है पाकिस्तान में
वो है वो सॉफ्ट स्किल्स पे वो बच्चे वो लड़के लड़कियां बिल्कुल भी गौर नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मेरे ख्याल से देखें, आप जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो तो सही है, चाहे अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को, चाहे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, चाहे यू नो मैन मैनेजमेंट, बिल्कुल तो बिल्कुल वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि हर इंसान में होनी चाहिए, और जो जो कि बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपकी टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स के साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स को भी इवेल्युएट करते हैं, यस 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 और दैट इज वेयर यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, और बी कॉन्फिडेंट एंड और अपने अपने आप को लिमिट ना करें, डोंट लिमिट ना, ये अचीवेबल नहीं है या यहाँ मैं नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हर कंपनी में इंसान ही काम कर रहे हैं जिनके पास दो हाथ हैं और एक दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, तो कोई भी किसी भी कंपनी में काम कर सकता है। आपने बहुत अच्छी बात की, बी कॉन्फिडेंट। और गूगल में इतना अरसा भी नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा लम्हात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो भी हुई हो जिसको आपने एक्सपीरियंस किया हो, यार ये लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया था। और नहीं, ऑफ कोर्स गूगल ही एक्सपीरियंस आपका लाइफ में पहला है, ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई ऐसा लम्हात आए हो, कोई ऐसी वाकया, प्लीज शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। अमेजिंग है, और ओह हर दिन आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो कुछ नया है। ऑब्वियसली यू नो, जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त बहुत सारी चीजें, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, तो मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, और यू नो मेरा जो बैकग्राउंड था वो लाइक 5-8 साल मैं एक कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आ रहा था, एक हाँ बैंकिंग इंडस्ट्री से आ रहा था, हाँ तो फॉर मी ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, और बड़ा शुरू में मज़ा भी आया, एक मिक्स फीलिंग थी, और वर्क एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। इसके अलावा जो जो सबसे अच्छी बात है, जो जो एक आपने कहा ना कि बड़ी एक सरप्राइज लगा या कोई ऐसा वाकया, वो ये है कि द वे गूगल ट्रीट्स देयर एम्प्लॉय, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि वो आपको इस तरह से ट्रीट करता है तो यू यू फील लाइक अ फैमिली, यू नो। वाओ। अब कुछ हल्की फुल्की बातें हो जाए, पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, बहुत शौक से देखता हूँ, स्पेशली अगर मेरे पसंदीदा गेस्ट आया हुआ हो तो जरूर। जबरदस्त। तो आप जरा बताइए कौन है आपके पसंदीदा पॉडकास्टर या चैनल, मुझे हटा के, आप तो सर फहरिस्त नहीं प्लीज मुझे हटा दीजिए। हैं, आपको हटा के जुनेद अकरम, मूरो, बहुत अच्छे, और मुझे एज अ होस्ट ताबिश हाशमी काफी अच्छे लगते हैं, ताबिश हाशमी। ताबिश, या ऑल्दो वो शायद हाँ पॉडकास्ट तो नहीं करते अभी, हाँ लेकिन ये कि मुझे एज अ होस्ट अच्छे लगते हैं काफी। हाँ जुनेद ने एक आपका 7 का बार 2 गूगल भी शूट किया था पोलैंड जाके, तो बड़ा अच्छा जी इंटरेस्टिंग था, वो आपकी कुलीग हैं गूगल में। ये बताइए कि 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो फिलहाल मैं आपको इस बात का जवाब तो नहीं दे सकता कि मैं 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है गूगल, आई एम लर्निंग अ लॉट, और यू नो गूगल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप रोजाना आप आते हो ऑफिस और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता इस है। सारी जर्नी में अगर मैं पूछूं कि आपके अगर लो टाइम हो आपका आया हो, लोज आए हो, तो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? फैमिली ने तो खैर मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कुछ भी आज तक अचीव किया या जो कुछ भी मैं हूँ वो फैमिली के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। नहीं बिल्कुल और तो अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो वो तो खैर सपोर्ट बिल्कुल रही है, और उन्हीं की दुआएं हैं आई थिंक, और उनकी मेहनत है, उसके बाद थोड़ी बहुत हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन ओवरऑल या आप वेरी सपोर्टिव फैमिली, या अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दोस्तों में या आपके क्लोज रिलेटिव में अगर मैं बोलूं कि आपको
उसने बहुत मोटिवेट रखा, आपके बड़े काम आए, तो जरा तीन लाम लेके उनको हाय कर दे। देखिए, मैंने पहले भी ये बताया कि मैं बहुत लकी था कि मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन यह है कि मेरी लाइफ में ऑब्वियसली मेरे मामू नासिर मामू, मेरे एक मामू हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इनिशियली जब मैं बहरीन मूव हुआ था। इसके अलावा बाकी सारे मामुओं ने, मेरे सारे मामुओं ने, खालाओं ने, मेरे चाचा चाचियों ने, मतलब जो भी आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उन सब ने तो किया मुझे। इसके अलावा मेरे जितने भी एक्स मैनेजर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे करियर ग्रोथ में मुझे बहुत हेल्प की, और मेरे जो करंट मैनेजर हैं गूगल में उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि यू नो इनिशियली I was kind of lost because you know it was entirely new world for me, and he supported really well. काम के साथ साथ आपकी कुछ हॉबीज भी होंगी, तो क्या है हॉबीज आपकी? यू हॉबीज तो आपकी यू नो एज के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन ये है कि मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है। क्रिकेट अब तो खैर कम खेलता हूँ, लेकिन यस खेलता था थोड़ा बहुत, और देखता हूँ, फॉलो करता हूँ वर्ल्ड क्रिकेट को। इसके अलावा कभी कभार रीडिंग का शौक यू नो पैदा हुआ है तो रीडिंग करता हूँ। तो आपके जो आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको आपकी हॉबी है, तो आपका पसंदीदा कौन खिलाड़ी है क्रिकेट में? मेरा ऑल टाइम फेवरेट तो शाहिद आफरीदी। जैसे आपने कहा आप बुक्स भी पढ़ते हैं, लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी आपने? लास्ट बुक मैंने जो पढ़ी थी वो सर विवियन रिचर्ड उनकी बुक उन्होंने लिखी थी। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द राइटर हु रोट द बुक, बट उनकी वो बायोग्राफी थी, वो मैंने पढ़ी थी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया खिजर आपका टॉक विद अहमर में आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की है। आई होप कि हमारे जो प्रोफेशनल नौजवान हैं आपसे बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने, और आपके जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है दुनिया की टॉप कंपनी के में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपने जो बताया उनसे उन्होंने बहुत आगाही हासिल की होगी, बहुत एक्सपीरियंस आपका है और डिफरेंट सेक्टर्स में। तो हमारे पॉडकास्ट का आज का मकसद मेन ये है कि हमारे जो टैलेंटेड पाकिस्तानी हैं जो दुनिया भर में टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं वो अपनी मोटिवेशन लाइफ शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें, और जो हमारे नौजवान नस्ल है चाहे वो लड़की हो लड़के हो वो आप लोगों को सुन सकें। आई होप कि हमारा ये पॉडकास्ट हर जगह पहुंचे और आप लोगों से ये नौजवान इंस्पायर हों और बिना डरे वो बड़ी सी बड़ी कंपनीज में अपने CV पोस्ट करें और जॉब हासिल करें और फिर मेरे पॉडकास्ट में आए। तो थैंक यू सो मच खिजर, थैंक्स अ लॉट। Thank you for inviting me, or it's such a great initiative by you. I hope ke kafi sari youngsters ko jo youth hai Pakistan mein wo ye podcast dekhe aur isme agar unhe aisa lagta hai ki kuch seekhne jaisa hai to usse seekhe aur you know apne careers ko jo hai wo next level pe le jaye aur success hasil kare apni life mein।